Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video on capital gain chapter. So students, aaj hum karenge exemption section. देखिए अभी तक जो भी हमने पढ़ा कैपिटल गेन में वो हमने ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर कर लिया है। अब आपका सिर्फ एक 20% जो रिमेनिंग रह गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका, दैट इज एग्जम्पशंस। दैट मीन्स एज पर इनकम टैक्स लॉ गवर्नमेंट यहाँ पर कैपिटल गेन पे कुछ एग्जम्पशन दे रही है। जैसे देखिए हमने सैलरी में पढ़ा था कि गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है 50,000 की। ऐसे ही हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि गवर्नमेंट स्टेट अभी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही थी। देन हमने पढ़ा पीजीबी में गवर्नमेंट जो है, अगर मान लीजिए कि डोनेशन करते हो, लाइक सपोज अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में करते हो तो उसमें आपको 100% ही मिलती है, कई बार तो 150% मिलती है, सो वो डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, सेम एज आपको जो है यहाँ पर कैपिटल गेन में भी यहाँ पर गवर्नमेंट आपको डिडक्शन नहीं दे रही, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे रही। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एग्जम्पशन किस तरह से देखनी बहुत अच्छे समझना है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड इसके जो है 99% आने के चांस आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हमने जो पहले पढ़ा वो सब बेकार है, ये उसी का एडिशन पार्ट है। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर यू नीड टू कैलकुलेट एलटीसीजी, देन यू टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट द एसएससी विल गेट एग्जम्पशन फ्रॉम दैट एलटीसीजी। ओके, सो देखिए मान लीजिए एक पर्सन है, एसएससी हैं, इन्होंने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी ऑन 22 फरवरी 2010 को उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी वैल्यू उस टाइम पे सपोज थी 15 लाख। नाउ ही हैज सोल्ड दिस हाउस ऑन 29th of January 2020 for rupees 60 lakh. उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे इसमें, देखिए हम क्या करते थे, सेल्स कंसिडरेशन, कितना आ गया 60 लाख। अभी बस एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया मैंने कि इसमें ना तो कोई इम्प्रूवमेंट हुई है ना ही कोई ब्रोकरेज है, मैं सिंपल एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। देन हम लेस करते हैं यहाँ पे इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, सॉरी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 15 लाख पे हम इंडेक्सेशन करते हैं। देखिए 210 का क्या है, 910 में, तो 910 में देखिए इसके सी आई ए कितना था, 148। बस अब सी कैलकुलेशन करेंगे, अमाउंट आपका आ गया 29,59,054। तो ये आप कहीं करते थे एलटीसीजी, आप आराम से निकालते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसे करते थे। वो अब मान लीजिए ये कौन है, मिस्टर एक्स है। ठीक है, अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को बेच तो देते हैं लेकिन इसी के बदले क्या करते हैं, ये एक नया घर और खरीदते हैं। मान लीजिए इन्होंने 2 फरवरी 2020 को उन्होंने एक नया घर खरीद लिया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में देखिए बताइए कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को बेच के, जो पहले वाली प्रॉपर्टी है जो कि 60 लाख में बची है, ठीक है, तो वो एक्स के हाथ में कितना अमाउंट अब तक होगा, 60 लाख ही होगा।
है, और वो कितने पे टैक्स पे करेगा? 30,70,946। इस पे वो स्ट्रेट अवे 20% जो है वो टैक्स पे कर देगा एज LTCG। ठीक है, अब मान लीजिए वो 22nd of Feb 2020 को एक नया घर खरीदता है। देखिए होता यही है, अब वो मान लीजिए इसके इसके पास कोई घर था नहीं, तो उसने जो पुराना घर बेचा, ठीक है, और फिर उसने एक नया घर खरीदा जो काफ़ी बड़ा था। क्योंकि देखिए होता यही है, क्योंकि जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती है तो नीड के अकॉर्डिंग जो है अपना एक नया घर खरीदना होता है। ठीक है, तो सरकार यहाँ पर क्या कहती है इसको बढ़ावा देने के लिए, कि आप ऐसा नहीं कि आप नया घर खरीदो और हम आपसे टैक्स ले लें। यहाँ पर गवर्नमेंट आपको एक एग्जम्पशन देती है SSC में। क्या एग्जम्पशन देती है? मान लीजिए इस SSC ने जो नया घर खरीदा, मान लीजिए वो खरीदा खरीदा सपोज इसी के आसपास की वैल्यू लेते हैं, सपोज 70 लाख की। ठीक है, ये न्यू इन्वेस्टेड अमाउंट है प्रॉपर्टी उसने खरीदने का। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये LTCG नहीं होता, ये क्या बन जाता है, ग्रोस LTCG बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इस SSC को यहाँ पर एक एग्जम्पशन मिल जाती है, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 में। कितने की मिलेगी सर क्लास, कितनी मिलेगी इसमें? डिडक्शन देखिए कितनी मिलती है। देखिए आपको एग्जाम कौन सा अमाउंट कराना है, ये LTCG वाला दैट इज 30,70,946 कि आपको ये टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 70 लाख की। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जम्पशन आपको किसे देगी, विच एवर इज लोअर दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड और ग्रोस LTCG। अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 70 लाख, एंड ग्रोस LTCG कितना है आपका, 30,70,946, विच एवर इज लोअर। इसमें से जो भी लोअर होगा उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तो लोअर कितना है, 30,70,946 इसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। सो दैट मीन्स देर विल बी नो कैपिटल गेन, ये फाइनल आपका रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि नहीं ला सकता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने ये सिर्फ सेक्शन 54 की बात करी, ऐसे ही और एग्जम्पशन है, बट मैंने अभी जो सेक्शन 54 है इन डिटेल अभी डिस्कस नहीं किया। मैंने आपको एक जनरली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है कि एग्जम्पशन होती है कैसे है और कैसे किस तरह से मिलती है। ठीक है, अब हम इन डिटेल पढ़ते हैं कि सेक्शन 54 एक्चुअली है क्या। देखिए मैंने आप सबके लिए टेबल बनाई है, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाई हुई है ताकि आपको इजीली लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए सम अभी हम आपसे फोकस सेक्शन 54 पर फोकस करेंगे, बाकी और चीज़ आप नहीं देखोगे। पहले हम बात करेंगे सेक्शन 54 की, क्या बोला हुआ है, एसेट ट्रांसफर। कौन सी एसेट ट्रांसफर हो रही है, रेजिडेंशियल हाउस। गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कि अगर आपको सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए, दैट मीन्स देन SSC नीड टू फुलफिल दीज कंडीशंस। क्या कंडीशन है, दैट दी कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, कौन सी, विच प्रॉपर्टी, विच कैपिटल एसेट, दैट इज रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है, अच्छा ये एग्जम्पशन किसको मिलेगी, या तो इंडिविजुअल को या HUF को, दैट मीन्स और किसी को नहीं मिलेगी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो LLP हो, उनको नहीं मिलेगी। देन यूज ऑफ होल्डिंग पीरियड, क्या मतलब उसका, मतलब जो SSC जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को जो बेच रहा है, ठीक है, उसको बेच ही रहा है वो, तो वो कम से कम LTCG वो क्या होना चाहिए, LTCA दैट मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। नाउ आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर वेरी वेल दैट वट इज कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कितना होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना होता है, लेस देन और इक्वल टू 2 ईयर्स, उससे ऊपर हुआ तो LTCA। ठीक है, दैट मीन्स जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो जो SSC बेच रहा है उस वो कम से कम उसने उसके पास होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 साल से ऊपर होना चाहिए। देन उसके बदले वो एक नया घर खरीदे, दैट मीन्स रेजिडेंशियल हाउस को बेच के वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदे, तो ही सेक्शन 54 एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना,
तो आपके माइंड में जब आप धीरे धीरे करोगे कुछ ये, तब जैसे आप करोगे, जैसे देखोगे एक रेजिडेंट हाउस प्रॉपर्टी खरीदी बेची और फिर उसके बदले नहीं खरीदी, तब आपके माइंड में तब भी ट्रिगर हो जाएगा दैट दैट मीन्स नाउ यू नीड टू अप्लाई सेक्शन 54। ओके अच्छा, एग्जेम्पशन किसकी मिलेगी? कैपिटल गेन इन्वेस्टेड। जैसे देखिए अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट कितनी की थी आपने? 70 लाख की थी, बट आपको मैक्सिमम कितनी मिलेगी? इतनी ही मिलेगी जितनी का आप टैक्स, जितनी बार आप एल टी सी जाती है उससे ज़्यादा मिल नहीं सकती। सो बेसिकली आप किसी एग्जाम्पशन ले रहे हो? जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते थे। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स एक कंडीशन है कि अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर दी तो ही आप जो है 54 सेक्शन के लिए एग्जेम्पशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो। क्या कंडीशन है? अपन ये बोल रहे हैं कि परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर है। क्या मतलब हुआ उसका? दैट मीन्स अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के, अगर आप न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जिस टाइम आपने ये वाली प्रॉपर्टी जो कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये जो प्रॉपर्टी आप सेल ऑफ कर रहे हो, उस डेट से या तो 1 साल पहले आप ये घर, कोई नया घर खरीदो, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ दी ओल्ड प्रॉपर्टी यू नीड टू बाय न्यू वन विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए परचेज के लिए लिखा हुआ है, परचेज विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, यानी जैसे आप रजिस्ट्री प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, बेचने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है। ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन हो तो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर खत्म होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, जैसे देखिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया, ये प्रॉपर्टी कब बेची थी? 29th of December 2020। कब खरीदी? नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ ही खरीदी। ठीक है, यानी कि विद इन 2 ईयर्स, देखिए विद इन 2 ईयर्स का गैप है, 2 साल के अंदर अंदर खरीदी। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये एग्जाम्पल मैं लूँ, सो दैट मीन्स इसका जो पीरियड है वो कितना होगा, लास्ट कितना होगा? 28th of January 2022। इन बिटवीन ऑफ दिस डेट्स जो है न्यू प्रॉपर्टीज को खरीदनी है, अगर परचेज हो तो। और अगर कंस्ट्रक्शन हो तो क्या होगा, 28th of January 2023 हो जाएगा फिर। ठीक है, दैट मीन्स विद इन दिस 3 ईयर्स ही नीड टू कंप्लीट दिस कंस्ट्रक्शन पीरियड। ओके, तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। सर क्या मतलब है, एक बार ध्यान से समझिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर बी हैं, उन्होंने उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी जो कि 10 लाख की खरीदी थी उन्होंने ऑन 31st December 2011 को। ठीक है, अब ये उन्होंने प्रॉपर्टी जो है सेल ऑफ कर दी। कब 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 इन्होंने सेल ऑफ करी? ऑन 26th of May 2019 फॉर ₹50 लाख ये उन्होंने सोल्ड कर दिया। अब उनको न्यू प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, इनको नई प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब इसकी दो केस होते हैं, या तो वो परचेज करेंगे या तो वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, अगर परचेज कर रहे हैं दे नीड टू परचेज विद इन 2 ईयर्स और 1 ईयर बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेट क्या देखें, अगर ऑन 26th of May 2019, या तो इस डेट से 1 साल पहले या तो इस डेट से 2 साल बाद तक आप प्रॉपर्टी जो है परचेज कर सकते हो, न्यू प्रॉपर्टी है।
कंस्ट्रक्शन है तो मस्ट बी कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर डेट क्या, अगेन 26 मई 2019। ठीक है, अब ध्यान ध्यान से देखिए, मान लीजिए परचेज या कंस्ट्रक्शन कोई भी पीरियड हो, देखिए ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म हो रहा है, ऑन 31 मार्च 2020 को फिनिश हो रहा है। ठीक है, अब उसको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बट उसको भी प्रॉपर्टी जो परचेज करनी है वो अभी वो देख रहा है, अभी टाइम लगेगा। फिर मान लीजिए लोग कंस्ट्रक्शन पे चल चढ़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन में देखिए बहुत टाइम लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लग सकता है। ठीक है, मान लीजिए 2 साल लगेंगे, बट अगर आप SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, SSC को टैक्स पे कब करना होता है, वो असेसमेंट ईयर में जाके पे करेगा 2021 में। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ रिटर्न यूजली क्या होती है, 31 जुलाई 2021। ठीक है, एवरी ईयर देखिए लास्ट डेट होती है कितनी, 31 जुलाई 2021। ठीक है, आप अगर रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है रिटर्न फाइल करेगा, इस डेट तक उसने ना तो कोई प्रॉपर्टी परचेज की ना ही अब तक कंस्ट्रक्शन पीरियड फिनिश हुआ, तो जो उसका LTCG आ गया होगा तो क्या वो एग्जेम्पशन ले सकता है? जी नहीं, ले ही नहीं सकता। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मेथड निकाला है, एक सॉल्यूशन निकाला है SSC के लिए, कि वो टिल द टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न फाइलिंग SSC कैन गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। क्या है वो, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप टू ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम दैट इज टू बी मेंटेन अंडर SBI स्पेशल बैंक अकाउंट एंड मॉनिटर बाय असेसिंग ऑफिसर। दैट मीन्स अगर किसी भी असेसी को अंडर 54 सेक्शन में एग्जेम्पशन चाहिए, सो ड्यू डेट रिटर्न फाइल से पहले पहले उसको जितना जितना, मान लीजिए प्रॉपर्टीज को कितनी खरीदनी चाहिए, 60 लाख की, 70 करोड़ की, 1 करोड़ की, कितनी भी खरीदनी हो, या फिर कंस्ट्रक्शन जितना भी अमाउंट उसको खर्च करना हो, तो वो सारा का सारा अमाउंट जो वो क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा कहाँ पर, CG अकाउंट में, दैट इज कैपिटल गेन अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना होगा। और वो डिपॉजिट कहाँ पर होता है, एक SBI का एक स्पेशल अकाउंट होता है जो कि असेसिंग ऑफिसर उसको मॉनिटर करता है। देखिए यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर उसको मॉनिटर कर रहा है, दैट मीन्स नज़र रख रहा है, वो उस अमाउंट को कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अमाउंट किसका है, SSC का है। वो सिर्फ मॉनिटर कर रहा है कि कब कितना पैसा निकाला और किसके लिए यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसमें मिस यूटिलाइज हुआ तो उसको जो है गवर्नमेंट को जाकर वो रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, सो बस असेसिंग ऑफिसर का काम है उस अमाउंट को, यानी जो CG अकाउंट है, CG अकाउंट स्कीम जो है उसको मॉनिटर करना, दैट्स इट। तो अगर वो इस डेट से पहले पहले अगर उसने CG अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दिया तो उसको पूरी एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, मान लीजिए CG अकाउंट में उसने डाल दिया, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन मिट गए, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन चल रही है, 3 साल तक उसने मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं, चलिए इस टाइम हमें 70 लाख कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर मेंटेन देखेगा क्या ये अमाउंट जब भी वो विड्रॉ कर रहा है, कौन कर रहा है, असेसी, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है या किसी और के लिए हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है तो ठीक ठीक है, बट और किसी पर्पज़ के लिए नहीं। अगर मिस यूटिलाइज हुआ तो फिर क्या होगा, वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, मिस यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सेल ऑफ न्यू एसेट, यानी कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी फिर से और आपने फिर से उसको बेच दी, ठीक है, नई वाली एसेट को आपने बेच दी, तो फिर क्या होगा, अगर लिखा है इफ सोल्ड विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गेन क्लेम्ड एज एग्जेम्प्ट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट। दैट मीन्स आपकी जितनी भी एग्जेम्प्शन ली थी
वो सब अब रिवर्स हो जाएगी। इट मीन्स अब आप एग्जम्पशन जो यहाँ पर विड्रॉ हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगा। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो अभी हम थोड़ी देर में एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो पहले वो रिवाइज करते हैं कि सेक्शन 54 देखिए क्या है। देखिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट वन इज दैट मीन्स जो एसएससी एसेट ट्रांसफर कर रहा है वो कौन सी कैपिटल एसेट होनी चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कौन ले सकता है ये 54B एग्जम्पशन, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। पीडीएफ होल्डिंग क्या होना चाहिए पुरानी एसेट का, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट दैट इज मोर देन 2 ईयर्स। कौन सी न्यू एसेट को खरीदनी चाहिए अगर उसको 54E एग्जम्पशन चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बदले रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो परचेज करे। ठीक है, एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड और ग्रोस LTCG विच एवर इज लोअर। देन प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो न्यू प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी टाइम लिमिट कितनी है। अगर परचेस कर रहा है सो बिफोर 1 ईयर, 1 ईयर बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए है, सो कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीट विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, अब अगर उसको ITR से पहले पहले अगर उसको एग्जेम्पशन चाहिए, ठीक है, और परचेज के टाइम पे चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए परचेज कर लेता है वो तो दिखा ही सकता है गवर्नमेंट को। ठीक है, बट अगर परचेज ही नहीं कर पाया और कंस्ट्रक्शन पीरियड जो 3 साल के लिए है खींचा हुआ है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक रेमेडी बनाई हुई है कि उसको जितना भी अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा है न्यू प्रॉपर्टी में, वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो CG अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, जो कि SBI का एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसको असेसिंग ऑफिसर मॉनिटर करता है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर का काम है कि अगर ये जो भी जितना भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, क्या वो अमाउंट जो है वो मिस यूटिलाइज हो रहा है। अगर मिस यूटिलाइज हो रहा है सो दैट मीन्स वट एवर दी SSC गोट एनी एग्जम्पशन दैट टोटल अमाउंट विल बी रिवर्स्ड। ओके, और अगर सोल्ड कर दिया, अगर न्यू प्रॉपर्टी बेच दी कब, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ, 3 साल से पहले पहले अगर उसको बेच दी तो जितना भी एग्जम्प्ट होगा वो CA से लेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप अभी तक आपको शायद आई थिंक 70 to 80% समझ आ गया होगा, क्योंकि देखिए जब तक इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं देखते तो आपको समझ नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन नेचर है, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे आपको चीज समझ आ जाएगा। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 16। मिस्टर एक्स परचेज अ हाउस ऑन 9th of October 2001 फॉर ₹20 lakh इन दिल्ली। दिस हाउस इज सोल्ड बाय एक्स ऑन 13th of September 2019 फॉर ₹75 lakh एंड पेड 2% एज ब्रोकरेज। ही परचेज अनदर हाउस ऑन 1/9/2019 ऑन इन गुरुग्राम फॉर ₹70 lakh। गुरुग्राम हाउस इज सोल्ड ऑन 5th of February 2021 फॉर ₹82 lakh। नाउ वेन यू डिटरमाइन द टैक्स एप्लीकेशन एंड कंप्लीट टैक्स अमाउंट। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन की टाइमलाइन को बहुत अच्छे से समझना है। वो देखिए मिस्टर एक्स के पास एक घर था जो कि उसने 2001 में परचेस किया था दिल्ली में 20 लाख का। उसने वो उस हाउस को बेच दिया कब, 2019 में 75 लाख का, एंड उसने एक 2% की ब्रोकरेज पे की। ठीक है, अब उसने एक नया घर खरीदा। अब देखिए जैसे ही वर्ड आया ही परचेज अनदर हाउस, दैट मीन्स सेक्शन 54 ट्रिगर हुआ। अब हमें चेक करना है इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया। कैसे चेक करेंगे कि जो पुराना घर है वो LTCA है या फिर SACA। LTCA आपको देखो शो हो, और पुराने घर के बदले नया घर खरीदा है। ठीक है, मिस्टर एक्स कौन है, इंडिविजुअल है। ठीक है, देखिए सारी आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स 54 एप्लीकेबल होना चाहिए। तो देखिए पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं इसको। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21
सेल्स कंसंट्रेशन देखिए कितना है, सेवेंटी फाइव लैख। लेस क्या करेंगे यहाँ से, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। कि देखिए उसने प्रॉपर्टी जो है कितने में खरीदी थी, 20 लाख की, कब, 2001 में। ट्वेंटी लाख की उसने खरीदी थी, कब बेचा उसने, 2019 में। कब खरीदी उसने, 2001 में, ठीक है। तो कितनी में ले जाएगी, 57,80,000। नाउ लेस क्या हुआ और एक्सपेंस में ट्रांसफर, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना है, 2% ऑफ 75 लाख, दैट इज 1,50,000, ठीक है। ये अमाउंट आपका क्या आ जाएगा, ग्रोस एल टी सी वी कितना अमाउंट आ गया, 15,70,000 ये आ गया, ठीक है। अब उसने नया घर खरीदा, लेकिन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं, ही परचेज अनदर हाउस ऑन 1st 9 2019 इन गुड़गांव फॉर ₹70 लाख। देखिए यहाँ पर पहले घर उसका कहाँ पर, दिल्ली में था, और नगर का कहाँ पर था उसमें, गुरुग्राम में। और ऑल ओवर इंडिया वो घर कहीं भी घर सकते, 50 पर एप्लीकेबल होगा। उसने नया घर कितने में खरीदा, 70 लाख में खरीदा, ठीक है। तो देखिए क्या, अब हम चेक करेंगे क्या उसको 70 लाख की, पहले यहाँ तक ये परचेज अनदर हाउस ऑन 70 लाख, यहाँ तक स्टेटमेंट खत्म। उसने जो अनदर हाउस है, देखिए कब खरीदा, 1st ऑफ सितंबर 2019, दैट मीन्स उसने जो पुराना घर, देखिए कब कब उसने बेचा था, 13, यानी कि उससे पहले ही खरीद हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद। देखिए उसने जो पुराना घर था कब कब बेच कब बेचा उसने, 13th ऑफ सितंबर 2019, एंड ही परचेज अनदर हाउस ऑन 1st ऑफ सितंबर 2019, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे उसको हम, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, कितने की मिलेगी, देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया था, आपको 15,70,000, या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया, 70 लाख का, विच एवर इज लोअर। सो कितना अमाउंट लोअर है आपको यहाँ पर, दैट इज 15,70,000, पूरी की पूरी डिडक्शन मिलेगी। कितना अमाउंट आप नहीं, फाइनल आपका एल टी सी जी आ गया फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट गुरुग्राम हाउस इज सोल्ड, अब उसने जो नया घर था वो बेच दिया, क्या कंडीशन थी, अगर वो 3 साल से पहले पहले बेच देता है, देखिए मैंने क्या लिखा था, इफ सोल्ड विद इन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर वो अगर वो न्यू एसेट को बेच देता है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, देन द कैपिटल गेन क्लेम्ड एज एग्जेम्प्ट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम COA ऑफ न्यू एसेट। देखिए कैसे करेंगे, अब हम निकालेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, देखिए उसने नई प्रॉपर्टी उसने कब बेची, उसने 21 में, दैट मीन्स 22-23 असेसमेंट ईयर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सेल्स कंसिडरेशन कितना जाएगा, 82 लाख की, ठीक है।
82 लाख की उसने प्रॉपर्टी बेची, लेस क्या करेंगे अब हम? देखिए उसने प्रॉपर्टी जो है कब उसने डेट दिखी दिया, उसने ये वाली प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? 1st ऑफ अगस्त 2019। देखिए 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, दैट मीन्स ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? देखिए कितने में उसने खरीदी थी, 70 लाख के। बट उसने क्या करता, उसने वो रूल तोड़ दिया, तो यानी कि उसने जो न्यू प्रॉपर्टी थी उसने 3 साल से पहले पहले बेची थी, तो जितना भी उसने एग्जेम्पशन लिया था पहले वो सारा अब रिवर्स हो जाएगा, जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाएगा। देखिए उसने कितनी उसने एग्जेम्पशन ली थी, 15,70,000। देखिए उसने कितनी एग्जेम्पशन ली थी, 15,70,000। नाउ दिस अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम COA। तो बाकी रिमेनिंग उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बैलेंस में मिलेगा। नाउ दिस विल बी फाइनल। LTCG for the assessment year 2022-23. देखिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह के आने चांसेस है, ठीक है। तो 54 एग्जम्पशन आपके लिए है। पहले देखिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहले उसने देखिए 2021 में ये प्रॉपर्टी उसने बेची 70 लाख की, इस पर इंडस्ट्री इनकम ने किया, ट्रांसफर किया, एक्सपेंस में जो कि ब्रोकरेज है वो इलेक्ट्रिसिटी आ गया। अब एग्जम्पशन 54 में एग्जम्पशन लेनी कितनी लेनी है, अमाउंट इन्वेस्टेड और ग्रोस इलेक्ट्रिसिटी विच एवरेज लोअर, वो एग्जम्पशन मिलेगी। तो उसका एग्जम्पशन मिलेगी फोर्थ एसएम डे 2021, जो कि फाइनल जो एलटीसीजी है वो कितना है, नहीं। अब उसने जो न्यू प्रॉपर्टी जो उसने खरीदी थी वो उसने सेल ऑफ कर दी, जो कि 3 साल से अंतरंग है। अगर 3 साल के अंदर न्यू प्रॉपर्टी बेची तो क्या होता है, जो उसने प्रीवियस ईयर में जब भी उसने उस प्रॉपर्टी पे जो भी एग्जम्पशन ली थी वो सब रिवर्स हो जाएगी। कैसे रिवर्स होगी? जब उस प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना भी अमाउंट होगा वो अमाउंट एग्जम्पशन अमाउंट वो लेस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे फॉर द टू ट्रीट सेक्शन 42। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर एग्जम्पशंस। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ कीप लाइक एंड सब्सक्राइब।